लगातार थम गया है, कैसे देखें क्या माहौल वहाँ देखने को मिल रहा है? एक तरफा है हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई एक तरफा माहौल है। बीजेपी के पास सिवाय बांटने काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, और वो विकल्प हार जाए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है लेटर कि खास करके जो महिलाएं वोटिंग करने के लिए आती हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनके पुलिस ऑफिसर जो है बुर्का उठा करके चेहरे देख रहे हैं, जिस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है। देखिए पूरे देश में यह माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना हो कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रदीप, और ये दुख का विषय है। सर, झारखंड में जो इलेक्शन कैंपेन में भाजपा ने जो वीडियो डाला है सर, उसको लेकर विवाद है। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि जहर उगल रहे हैं भाजपा। ये कोई नई बात थोड़ी ही है, इनको सिर्फ यही आता है जहर उगलना, जहर की फसल लगाना। लेकिन अब इस जहर का काट जनता ने ढूंढ लिया। झारखंड के भी चार सीटों पर उपचुनाव हुए, यहाँ के नतीजे कैसे आप देखते? बिहार में 20 तारीख के बाद 23 को जब नतीजे शुरू होंगे तो लोगों के पांव के नीचे की जमीन निकल। सर, राहुल गांधी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारे को कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो सिर्फ अपने साथी यानी कि अमित शाह और अडानी को बचाना चाहते हैं इस नारे के साथ। आप ये बताइए, आप अडानी के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्नेह देख लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के लिए अडानी से बड़ा मित्र कोई नहीं, उनकी पूरी पार्टी भी नहीं, सिर्फ अडानी और अमित शाह। देखिए, मैं तो देश के मतदाता खास करके महाराष्ट्र और झारखंड की स्थिति, कल चुनाव होने वाला है, मैं झारखंड के मतदाता से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जब वोट देने जाएं तो अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें, अपने बहु बेटियों की चिंता करें। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए हैं, कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को करांची बनाना चाहते हैं, वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को करांची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना। मल्लिकार्जुन जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है, वोट जिहाद। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। आज कांग्रेस की ओर से, आज मौलवी की ओर से वोट जिहाद के नारे तो दिए जा रहे हैं। तो मैं, भारत के धर्म गुरु भी अब आवाज़ दे रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप है और ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। मैं खड़गे जी से कहूँगा कि खड़गे जी, भले ही आप कठपुतली हों लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा आपके लिए शोभनीय नहीं है। जहर तो आप बोल रहे हैं, आज़ादी के बाद से आपने तुष्टीकरण किया, आपने भारत को लूटा, आपने भारत में हिंदू मुसलमान किया, आपने भारत में आज देख लीजिए क्या है। बक्सर में ईसाइयों ने, पादरियों ने हिंदू, गरीब हिंदुओं की मांगें धो दी। इस पर तेजस्वी यादव की ज़ुबान नहीं खुलती, न कांग्रेसियों की ज़ुबान खुलती। आज बेगूसराय हो या लखीसराय हो या बक्सर हो या मोतिहारी हो,
ये खुलेआम ये सब हो रहा है, ये जहर अगर आपने बोया आपके कारण हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग आपके लिए शोभनीय नहीं है। और तीसरी बात है, मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ के बख बोर्ड के अध्यक्ष को जिसने जहर पे रोक लगाने का काम किया है कि शुक्रवार को ये कहा है कि जो तकरीर करेंगे वो परमिशन लेकर के ही करेंगे, क्योंकि जहर शुक्रवार को बोया जाता है, जहर छोड़ा जाता मदरसों में, जहर छोड़ा जाता मुसलमान नेता धर्म गुरुओं के तकरीर में। मैं देश के लोगों से कहूँगा कि 3 महीना 1 महीना आप मुसलमान के धर्म गुरुओं का तकरीर सुने और हिंदू के धर्म गुरुओं का, वो समाज को जोड़ते हैं, ये समाज में विभेद। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है कि हमारी वोटर खासकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठा के देखे जाते हैं, जिस वजह से वो डर जाती है और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। आपने अच्छा कहा, मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूँगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और NDA के कार्यकर्ताओं से कहूँगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा